हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज एलसीएम ऐसे कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। इस चैप्टर में भी जैसे कि हमने पिछले किसी भी चैप्टर में किसी फार्मूले का यूज नहीं किया है, आगे भी हम किसी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हमको अपनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्लियर रखनी और ऑप्शन का सहारा लेना है, क्योंकि ऑप्शन का सहारा लेके ही हम अपने आपको पार लगा सकते हैं। जैसे लिखा है दो संख्या का अनुपात 19:26 है, यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 26 होगी। बड़ी संख्या कौन सी होगी, 26 यूनिट होगी। ये 26 नहीं है, 26 यूनिट है, अर्थात पहली संख्या देखी जाए तो 19 यूनिट और सेकंड नंबर देखा जाए तो 26 यूनिट है। ये 26 नहीं संख्या है, ये 26 यूनिट है। इसको मान के चलेंगे ये 26 नहीं है, 26 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 156 भी हो सकता है, अर्थात कुछ भी होगा ये 26 का फैक्टर होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 26 है, जो संख्या पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो 26 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे 91 26 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 91 26 से कम, 26 दूनी 52 26 दूनी 78 26 होगा, 104 130 156 76 76 अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए, 26 में 76 में तो जोड़ दो कितना हो जाएगा 78। छोटी संख्या तो 78 ही रहेगी, तो बड़ी संख्या क्या रहेगी, 104 ही रहेगी। क्या ये अनुपात 3:4 देगा, 26 3 78 26 4 104, अर्थात ये अनुपात 3:4 मिलेगा। हमने सवाल में फार्मूले का यूज नहीं किया, वरना अगर आपको करना होता तो आप कहते 19x/26x, छोटी एक संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात हो जाएगा 3:4। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ता तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन को फिर से भी समझा रहे हैं, तो सही पूर्वक आप समझो सवाल को कि बिना लिखे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कुछ भी होगी, 26 का फैक्टर होगी। तो हमने देखा है 91 नहीं हो रहा, क्योंकि 26 से 91 नहीं कटता है। अब 104 तो ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। तो ये अगर 26 4 104 है, तो 19 4 76, ये संख्या कौन सी होगी, 76 होगी। कह रहा है छोटी संख्या में इसको जोड़ दो, छोटी संख्या कौन सी है, 76 में इसको जोड़ दिया कितना हो गया 78। तो बड़ी संख्या तो 104 रही, क्या ये 3:4 देता है, 26 3 78 26 4 104, अर्थात 3:4 देता है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ऑप्शन डी, तो सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक संख्या को 2:1 में बांटा जाता है, इन दोनों संख्याओं में बड़ा वाला भाग 52 है, तो छोटी संख्या क्या है, बड़ा वाला भाग कितना है 52, बड़ा वाला भाग 52 है, तो छोटा वाला भाग कौन सा होगा, 26, जिसका आधा ही होगा। इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, जो दे रखा है ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर कितना है 1:7 और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3 है, तो दोनों संख्याओं को घोलकर बताइए। एक बात बताइए, दोनों के अंतर देखा जाए तो 2 यूनिट है, हमारे हिसाब से देखा जाए 5 यूनिट और 3 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2 यूनिट। अब 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 160, तो यूनिट का मान आ जाएगा 80। क्लियर, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, जो दोनों संख्याओं को गुणनफल पूछा है, अर्थात पहली और दूसरी का गुणनफल पूछा है। पहली कौन सी 5 यूनिट और दूसरी कौन सी है 3 यूनिट, ये पूछा है। 5×80×3×80, ठीक है, 5×3=15 × 2=64। अब 64 × 15 से करने का मतलब है 1.5 गुना, तो 64 × 15 से करना, 64 × 15 से करनी है, देखो डबल जीरो कैसे आ जाएंगे, 15×4=60, 60 × 6=90, 96 अर्थात जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योगफल 51 है, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताना तसल्ली पूर्वक कि पहली और दूसरी का ए और बी की ए और बी का रेशियो क्या लिखा है, 4:5 लिखा है, और हमसे लिखा है पहली तथा तीसरी, अर्थात ए रेशियो सी लिखा है 1:2। ठीक है, तो हम क्या इसको इस वाले को या इस वाले को प्रत्यय लिख सकते हैं, ए अनुपात सी लिखा है, ए अनुपात सी लिखा है, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि बी अनुपात ए, नहीं
जैसे ए रेशियो भी लिखा है, ए रेशियो भी लिखा है 4:5 और ए रेशियो सी लिखा है 1:5, तो हमको ये तो बराबर करना है। ए बराबर करने के लिए 4 से गुणा करनी है, इसलिए 4 से गुणा करो, या आपको 4 से अगर मैंने गुणा कर ली तो हो जाएगा 4 और 8, 4:8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ए बी सी का रेशियो ले सकता हूँ, मैं हाँ ले सकता हूँ। ए कितना दे रखा है, 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, बी का मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी मैं लिख सकता हूँ, ए का मतलब 4, बी का मतलब 5 और सी का मतलब 8। ठीक है, अब पूछाएंगे कि संख्या का योग पहले को कितना है, 8 और 5 13 और 4 17, हमारे हिसाब से 17 यूनिट और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी 51, तो यूनिट का माना जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो 8 और 3 गुणनफल पूछा है, 4 यूनिट 5 यूनिट और 8 यूनिट, गुणनफल का मतलब है ए इंटू बी इंटू सी, अर्थात 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3 और 8 इंटू 3, ये हमसे पूछा है। ये तो पूछा है तो 4 3 12 5 60 और 6 3 18 180 और 8 3 24 हो जाएगा। अब इन दोनों गुणा कर लो, 0 आ जाएगा, 18 2 36 360 हो जाएगा, 18 2 36 360 हो जाएगा, 18 4 72 हो जाएगा, 360 और 72 हो जाएगा, 7 6 8 1 3 4 4420 दे रखा है ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये है पूरा, जो आपको पूरा बेसिक आपने ये किया। अब दूसरा तरीका क्या था कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो दूसरा तरीका पूछिए कि पूछा है तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो तीनों संख्याएं ये हैं 4 5 और 8, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर यूनिट का मान 3 आया, यूनिट का मान 3 आया तो जो भी नंबर होगा यूनिट का मान कितना आ रहा है 3, तो हर एक उसकी 3 से गुणा हो रही है, हर एक में 3 3 से गुणा हो रही है। अगर हर एक नंबर में 3 3 से गुणा हो रही है तो जो नंबर आया वो उसमें 3 से गुणा हुई होगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 से किस नंबर में गुणा है। जैसे ये जगह है 4 7 11 12 13, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकों का 3 से निकल रहा है, 6 और 6 12 और 3 15 और 7 22, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकों का 3 से निकल रहा है, 8 और 3 11 5 16 4 20, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑप्शन इसके अंकों का 3 से निकल रहा है। तो डायरेक्ट आप सवाल का आंसर कह सकते हैं कि यही होगा जो सवाल का सही आंसर होगा। हमने बिना पेन नहीं खाया, सवाल को करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बेसिक बताया कि अगर बेसिक करोगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा, लेकिन बिना बेसिक के आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें सिर्फ इतना नहीं लगता कि ए बी सी का रेशियो क्या निकालना, ए बी सी का रेशियो निकालना, हमने कहा यूनिट का मान कितना आया 3, अब तीनों संख्याओं को गुणनफल पूछा है तो गुणनफल में और यूनिट का मान 3 है, तो 300 गुणा तो करी होगी आपने, जब 300 गुणा की होगी किसी नंबर में तो वो 3 से कटना भी चाहिए, तो आप देख पाए कि ये 3 नंबर 3 से नहीं कट रहे थे, तो यही नंबर था जो 3 से कट रहा था, तो इस ऑप्शन पर करेक्ट होने की मजबूरी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अगर क्या ये चीज नहीं सीखनी है तो पूरा बेसिक सिखा दो। कहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्या क्या है। एक बात बता दूं, सोच के बता रहा हूं इसे कि 5:6 है, ठीक है, दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 7 का मल्टीपल हो जाता है, यदि दोनों संख्या जैसे पहली संख्या क्या है 5 का मल्टीपल है, पहली संख्या क्या होगी 5 का मल्टीपल, जैसे 10 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल, दो सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन आप एक को लेके ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर उन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, अगर 10 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 16, क्या 16 में 7 का फैक्टर है, क्योंकि 7 चाहिए ना काटने के बाद, अगर 20 में 6 जोड़ दिया हो जाएगा 26, क्या 26 में 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब, क्या 15 में 6 जोड़ दिया क्या हो जाएगा 21, क्या 21 में 7 मिलेगा, हाँ मिल सकता है, तो उसको होल्ड करते हैं, क्या 5 में अगर 6 जोड़ दिया हो जाएगा 11, क्या 11 में 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। लेकिन मैं आप ये नहीं भाई ऐसे कैसे हो जाता है कि यहाँ पर बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर 15 है तो ये कितना है 18 है, ये 15 है और ये कितना है 18, तो इसमें 6 जोड़ोगे ये 21 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ोगे ये 24 हो जाएगा, 7 3 21 और 8 3 24, 7 से काटा है 3 से काटा, 3 8 24, सॉरी 3 से काटा है 3 7 और 3 8, 7 5 8 सही आंसर हो जाएगा। अब क्या हमने कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा, कौन से चेंज किया कि अगर ये संख्या 15 है, संख्या तो ऑप्शन दे रखी तब कर पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो हमको पूरा सवाल बनाना पड़ जाएगा, वो कैसे बनाना पड़ जाएगा, 5x/6x+6+6 इनको जोड़ो और 7/8 यहाँ से x का मान निकालो,
ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें पैन का यूज करना ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एडीएसएल सोचना पड़ेगा। वो एडीएसएल ही सोचेंगे कि अगर 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, कन्फर्म होगा, और उसमें उसमें अगर 6 जोड़ किए जाए, उसमें अगर 6 जोड़ दिए तो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो सोच कह रहा है। या अगर वो 6 का मल्टीपल पहले है तो 6 जोड़ने के बाद 8 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। चाहे आपके दो सवाल दो तरीके हैं, आपके पास दो हिंट है, किसी भी हिंट का आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवानी और प्रणीता के बीच कोई धनराशि 5 रुपए 7 के अनुपात में बाकी है, 5 रुपए 7 के अनुपात में, ठीक है। यदि प्रणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो गया। एक बात बताना कि अगर एक दो बंदों के पास रुपए, अब वो 1 रुपए दूसरे की, 5 रुपए मैंने आपको दे दिया, आपने 5 रुपए मैंने दे दिए, तो हमारे टोटल जो था वो क्या बदला, टोटल रेशियो का। अगर मैंने आपको 5 रुपए दे दिए या आपने 5 रुपए मुझे दे दिए, तो मेरे पास 5 कम हो गए या आपके पास 5 बढ़ गए, ठीक है। लेकिन क्या हमारा टोटल जो था वो क्या खत्म हुआ, कुछ दिक्कत हुई टोटल में, कुछ टोटल में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं इस सवाल को बहुत तसल्लीपूर्वक कह सकता हूँ कि अर्थात जो सवाल पहले उस सब टोटल धन था वो 12 यूनिट था, 5 उसका और 7 उसका, कितना था 12 यूनिट था, और ऊपर 5 रुपए एक दूसरे के अदला बदले करने के बाद कितना हो गया 7 यूनिट। तो रुपए तो कोई रहे, रुपए में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर 5 रुपए आपने मुझे दे दिए, आपने 5 रुपए मुझे दे दिए, तो रुपए तो सेम ही रहे, अर्थात कुछ भी हो जाए वो 7 का मल्टीपल तो होना चाहिए। अब देखो क्या 7 का मल्टीपल है, 7 5 35 4 6 7 से नहीं कटता है, 7 5 35 5 58 7 से नहीं कटता है, 7 6 42 ये 7 से कट जाता है, और 7 6 42 12 ये 7 से नहीं कटता है। अर्थात इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है कि 420 ही होगा। ये चाहे 12 का मल्टीपल से चेक कर लो और चाहे 7 का मल्टीपल से चेक कर लो। आप मैंने देखा कि 7 का मल्टीपल एक यूनिक होता है, मैंने 7 का मल्टीपल उठाया 7 6 42, तो सवाल को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। लेकिन बड़ी संख्या 9 है तो 9 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, 9 का मल्टीपल है इसे होल्ड करते हैं, 9 का मल्टीपल है नहीं है तो इसे कट करते हैं, 9 का मल्टीपल है नहीं है तो इसे कट करते हैं, 9 का मल्टीपल है इसे होल्ड करते हैं, ठीक है। बस कट जाता तो हम लगा सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ना पड़ जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है। अगर बड़ी संख्या 81 है तो इसमें अगर 8 जोड़ दिए तो ये कितना होगा 89, क्या इसमें आपको 5 का कट दिख रहा है। अगर बड़ी संख्या 81 है इसमें 8 जोड़ने के बाद कह रहा है 5:3 हो जाता है ना, क्या इसमें अगर 8 जोड़ दोगे 89 में क्या 5 का फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये 72 है, 72 में 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 80, क्या 80 में 5 का फैक्टर दिख रहा है, 80 में 5 का फैक्टर दिख रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो बिना किसी फार्मूले का यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण का अनुपात 6:1 हो जाना चाहिए। अर्थात परिणामी मिश्रण का मतलब 7 यूनिट, कितना 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए, 7 यूनिट पहले तो 72 था, अब इसमें कितना और मिला दिया जाए कि ये 7 से कट जाना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखो अगर मैंने 3 मिलाया तो हो जाएगा 75, अगर मैंने कहा सीमेंट 3 किलो मिलाया तो 75 हो जाएगा, 75 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा साहब। अगर मैंने 1.5 मिलाया, अगर मैंने 1.5 मिलाया तो कितना हो जाएगा 73.5 यूनिट की वैल्यू। अब ये 73.5 तो कटता है कैसे, 10 से काटेंगे, 10 बार करेंगे तो 70, आधा बार 10.5 बार में ये कट सकता है, इसको देखते हैं 74 तो 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। और कट दिया 72 तो था, 72 था ये जोड़ दिया तो 73 होगा, 73 7 से नहीं कटेगा, और 2 जोड़ दिया तो 74, 74 भी 7 से नहीं कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैंने 1.5 कर दिया तो मान हो गया वो 7 यूनिट का मान हो गया 73.5। क्या मैं यहाँ से यूनिट का मान निकाल सकता हूँ, हाँ यूनिट का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसके साथ आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो क्योंकि 10.5 बार में कटता है। कैसे कटता है, 10 बार करोगे तो 70 पूरा कट जाएगा और 3.5 आधे बार में कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है कि आप भाई साहब नहीं करेंगे मत करो, देखो फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा कि 70 यानी कि 7 और 8 यूनिट की वैल्यू मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, अर्थात 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 किलोग्राम, तो यूनिट का वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किलोग्राम। तो आप कह पाओगे जो रेत है वो 9 7 63 है और जो सीमेंट है वो कितना है 9 है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हो, रेत और सीमेंट इसमें कितना सीमेंट मिला दो, हमने कहा एक्स सीमेंट मिला दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है 6:1 हो जाता है, काट पिटी करो एक्स का मान निकालो, मत करो बिना बिल्कुल सवाल को बिना पेन के यूज करे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि सीमेंट 72 किलो समय है, 72 किलो समय है आपने सीमेंट मिलाया तो बढ़ेगा ना,
72 किलो है, आपने कुछ सीमेंट बढ़ाया, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, और कुछ बढ़ने के बाद कितना हो रहा है 7 यूनिट। तो जब कुछ बढ़ेगा तो 7 से कटना चाहिए, तो मैंने देखा 7 से सिर्फ 1 ही ऑप्शन कट पा रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं कट पा रहे, तो इस ऑप्शन का कट होना इसकी मजबूरी होगा, वरना मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया आप ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे करोगे तो समय लगेगा, ऐसे करोगे तो समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड इनफ होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योग 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। 5:6 हो जाए मतलब 11 यूनिट हो जाए, मतलब 11 यूनिट हो जाए, तो 70 में मैं कितना जोड़ूं कि 11 यूनिट हो जाए, 10 से दोनों जोड़ेंगे, अगर 10 से 11 यूनिट का मान निकलना है, मुझे है कितना मेरे पास 70, तो दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो 10-10 दोनों में जोड़ दिए तो 20 जुड़ जाएंगे। समझे ना बहुत आराम से, कि अगर मुझे क्या कह रहा है कि 11 यूनिट हो जाए, 11 यूनिट हो जाए तो 70 तो ऑलरेडी है, उनका योग 70 है, और कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना कितना जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पूर्णांक में 10-10 जोड़ा जा रहा है तो 20 जोड़ा जा रहा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। क्या मैं यहाँ से यूनिट का मान निकाल सकता हूँ? आप यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप इसको चेक करो नेक्स्ट वाले को, 20 हो गया, अगर आपने 1 में 20 जोड़ा तो दोनों में 20 भी जोड़े होंगे, तो 40 जोड़ दिए होंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या आप यूनिट का मान बता सकते हो यहाँ से? हाँ मैं बता सकता हूँ, यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या किया आपने? कुछ याद किया? कुछ भी तकलीफ नहीं है आपको, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, उनके योग का आधा, मतलब 3, 2, 5, 6 इनका योग कितना हो रहा है 6 यूनिट, 6 यूनिट का आधा कितना हो रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 72। सवाल ने क्या कहा है कि 3 संख्याओं 3:2:1 3, 2, 5, 6 यूनिट का आधा, अर्थात 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 72, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या कौन सी थी 1 यूनिट, यानी कि 24 का ही स्क्वायर पूछा है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो सवाल का आंसर होगा 576। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताना, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो कितना हो रहा है 7 यूनिट हो रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाए 7, योगफल पूछा है तो 7 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं सवाल को, मत पूरा सवाल में क्या देखा, आपने पूछा 2 संख्या का अनुपात इतना है, ऐसा ठीक है इतना है, तो एक बात बताओ कि ये दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा 7 यूनिट होगा ना, तो यूनिट का मान कुछ भी होगा, तो आपने 7 में तो गुणा की होगी, आपने 7 में गुणा की, मैंने कहा 7 में गुणा सिर्फ आपने 21 में की और किसी नंबर में नहीं किए, मैं उसको टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या अर्थात एक का 60% क्या है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, दूसरी संख्या कौन सी थी मान लीजिए 2/3 के बराबर, ऐसा कहा है तो 0 से 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है 2 से काटे 2 3 6 और 2 5 10, तो मैं यहाँ से अगर a बटे b बराबर लिखना चाहूँ तो 5 × 10 और 3 3 9, तो a रेशियो भी आ जाएगा 10:9, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो, उनके योग का 2×100 हो, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? देखिए अगर उससे पूछा कि वर्ग क्या है सबसे बड़ी संख्या का, 5 × 3 8 × 2 10, उनके योग का दोगुना, योग कितना है 5 × 3 8 × 2 10 का योग का दोगुना, अर्थात 20 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है 100, तो मैं कह पाऊंगा यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। पूछा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 5 यूनिट, 5 यूनिट थी ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी भी 5 यूनिट, इसको अगर मैं यूनिट का मान रखूंगा तो 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो क्या पूछा है इस संख्या का पूछा है हमसे वर्ग, जो होगा 625, और 625 दे रखा है ऑप्शन डी में, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का 3:4 है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? देखिए बड़ी संख्या का मान मतलब 4 में, बड़ी संख्या मतलब 4, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है और ये भी मल्टीपल है, ठीक है तरीका है, तरीके हैं बहुत सारे, इसको बिना लिखे नहीं कर सकते, मतलब बहुत तरीके से समझाऊंगा, ये नहीं हो सकता। हमने कहा कि बड़ी संख्या का मान पूछा, ये भाई सब तो ये गलत हुआ, अब क्या करें, तो मुझे पता है कि अगर ये 36 हुआ जैसे मैं सबको पहले लिख के दिखा, ये 3 यूनिट या 3x 3 यूनिट 3 यूनिट × 4 दोनों संख्या को गुणनफल दे रखा है 1728, तो हम कह पाएंगे 4 × 12
तो 144 हो जाएगा। तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144। तो मैं कह पाऊंगा यूनिट का मान कितना आ गया 12। अगर यूनिट का मान 12 आ गया तो उससे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी थी, बड़ी संख्या कौन सी थी 4 थी, अर्थात 4 और यूनिट का मान कितना है 12, तो 12 14 हो जाएगा 48। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है, वो मैं तरीका सिखा रहा हूं आपको कि ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है, इसी कैसे अब हमें करना है। देखिए हमने देखा कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो 4 ये 0 वाला होगा तो ये 27 रहा होगा। अरे अगर ये 4 ये 36 है, इसकी वैल्यू इतनी है 4 ने 36, ठीक है, 15 ने 27 रहा होगा। तो मैं देखा कि इनकी छोटी संख्या में 27 नहीं होगी, तो इनकी और इनकी मैं गुणा करूंगा, 7 से पहले लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन मुझे इन दोनों को गुणा करने का कितना चाहिए 8, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये 4 है और ये 48 है तो कितना गुणा है 12 गुणा है, छोटी संख्या का मान अगर 48 है तो ये कितने गुना है, ये 12 गुना है, ठीक है, तो ये भी संख्या 12 गुना नहीं होगी, 12 गुना यानी कि 12 तीन 36। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा 8 से 48 लास्ट में 8 मिल रहा है और लास्ट में 8 मिल रहा है, तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ भी नहीं है। इस सवाल को आप ऑलरेडी कर सकते हो मन में, लेकिन क्या है आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी अप्रोच की। ये नहीं कि आप फार्मूले लगा के फार्मूले से बनाने बैठ गए, बना तो हमको लेता है फार्मूले से, लेकिन इससे सक्सेस नहीं होने वाला, समय मिलता बहुत कम। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पी अनुपात 18, ये समानुपात का निशान होता है, समानुपात इसको बोलते हैं, अनुपात होता है ये वाला और समानुपात होता है ये वाला, चार गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पी अनुपात का मतलब पी अपॉन 18 समानुपात 5/3, सब पूछा है पी का मान, तो 3 6 18 और पी बराबर हो गया 6 × 30 जो दे रखा है ऑप्शन बी, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट, 8 और 12 का द्वितीय अनुपात पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, b² / a, थर्ड प्रोपोर्शन होता है होता है b² / b² का मतलब 144/8, 144/8 का 8 में कौन सा कटेगा, 18 4 72 8 144, कौन सा आ जाएगा 18। थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² / a और जो मेन प्रोपोर्शन होता है कौन सा था, मेन प्रोपोर्शन क्या होता है 2a, ठीक है, और एक था फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है bc/a। अब बात करती है कि याद करना चाहो याद कर लो, अब मैं सिखाऊंगा कि इसको निकालते कैसे हैं। जैसे अब इसकी बात करें मेन प्रोपोर्शन की बात होती है, जैसे a नंबर लिखा है कोई और हमको मेन प्रोपोर्शन निकालना है, मेन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला नंबर, ये x को नंबर है तो निकालना है, ये नंबर गिवन है हमको, a और b वाले नंबर हमको गिवन है, तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन x बराबर x अपॉन क्या हो जाएगा b, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तो हो जाएगा x² / ab, और हमें अगर x का मान निकालना है तो कहेंगे रूट के अंदर a, ये तो मेन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या करते हैं, a रेशियो हमें थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, तो a d और तो है हमारे पास और है कौन सा नहीं हमारे पास x, मतलब c कोई भी मान लो x मान लो इस मान कुछ चाहिए, तो उसको निकालते हैं a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा b अपॉन x, तो यहां से अगर हमको x निकालना हो तो लिखेंगे b² / a, वही मैंने लिखा है कि जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² / a, जो मेन प्रोपोर्शन होता है अर्थात मध्य अनुपात होता है वो a भी होता है, और हम अगर बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, a b c और x हमको यहाँ पे x फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, a अपॉन b बराबर c अपॉन x, हमको x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा b c अपॉन a, और वही फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा है हमने यहाँ पर। तो अगली बार अगर सवाल में कहीं पर आपको ये होना है मेन प्रोपोर्शन को a b, थर्ड प्रोपोर्शन b² / a और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो b c अपॉन a कैसे निकाला जाता है वो भी यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा ना, थर्ड प्रोपोर्शन लगाया b² / a 24/8 अर्थात 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमसे पूछा है 3.6 6.9 तथा 11.1 का चतुर्थ अनुपात अर्थात चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा bc / a, bc / a b का मान कितना है
6.9, सी का मान कितना है 11.4 और ए का मान कितना है 3.6। तो समथिंग कैलकुलेशन का लेना आप होती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम की धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई, अर्थात 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है। श्याम को कितना मिला 19 यूनिट दे रखा है, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 247। अब हमको काटना तो 19 धाम 190, 19 किया 57, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यूनिट का मान कितना आ रहा है, 13 मान आ रहा है। और हमसे पूछा है कि श्याम राम को बताओ, तो राम को कितना मिलेगा 8 यूनिट, अर्थात 8 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 8 × 13, और 13 8 कितना होता है 104, और 104 दे रखा है ऑप्शन डी में, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ₹395 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% दे, बी को ए से, ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, बी को ए से 25% अधिक। अगर ए को 100 मिल रहे होंगे तो बी को 125 मिल रहे होंगे, तो मैं इसको कह सकता हूँ 25 × 100 ठीक। और क्या कह रहा है, तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है, जो बी को सी से कितना 20%, अगर सी को 100 मिल रहा होगा तो बी को 120 मिल रहा होगा। ऐसे जो कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है ₹395 ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक, बी को ए से 25%, तो ए को 100, बी को 125, और सी से 20% ज्यादा, तो सी को 100 उसको 120, तो इसको अगर हम छोटा करके लिखे तो ये से काटे 20 × 20 = 25। तो यहाँ से अगर हम ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो लिखना चाहें तो हम ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं, कैसे इन दोनों की हो जाती है 6 × 24, बी की हो जाती है प्लस 6 × 5 = 30, और सी की 5 × 25, ठीक है। अब हमसे पूछा गया ए का भाग बताओ, वैसा ए का भाग पूछा है, लेकिन पहले तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 24 और 30 जोड़े जाए तो 54, 24 और 30 = 54, 54 और 25 = 79 अब 79 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 395 दे रखी है, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट का मान 5 आ गया, हमसे पूछा है कि ए का भाग, तो ए का भाग मतलब 24, ए का मतलब 24 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है 5, तो 24 × 5 = 120, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 120। अब बात आती है कि ये करना जरूरी था, अब बात ये आती है कि ये करना जरूरी था, अब देखिए ये करना जरूरी नहीं था, आपको पता था कि यूनिट का मान कुछ भी आए, एक का 24 यूनिट है ना, एक की वैल्यू कितनी है, जो ये वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी, नो डाउट आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि 24 यूनिट, क्योंकि यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि यूनिट का मान कुछ भी आए 24 यूनिट करना चाहिए, तो आप देख पा रहे थे कि 24 से कौन सा आंसर कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चार पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना है, तो तीसरा पद, चार पद समानुपात, पहला इतना है दूसरा इतना दे रखा है, समानुपात का मतलब साइन, पहला दूसरा और चौथा यानी कि एक्स फाइंड या के मान लो उसको फाइंड करना है, चौथा पद दे रखा है हमको 33, ये दे रखा है, ठीक है। तीसरा पद हमको फाइंड करना है, तो उसको लिखेंगे 4/22 बराबर के बटे 33, 11 × 11 = 3, 2 से काटेंगे 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 आ जाएगा, और तो 6 दे रखा है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, 8 और 20 थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² / a होता है ना, तो b² का मतलब 400, 20² = 400 / a का मतलब 8, तो 8 × 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात, अर्थात मेन प्रोपोर्शन पूछा है, किसके बीच 4 और 9 के बीच मेन प्रोपोर्शन, तो मेन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, मेन प्रोपोर्शन होता है रूट के अंदर ए बी, रूट के अंदर ए बी, अर्थात 4 × 9 = 36, तो मेन प्रोपोर्शन हो जाएगा 9 × 36 = 6, इन दोनों के बीच पूछा है अनुपात, अर्थात 50 × 6, इसको हम कहेंगे 25/3 जो दे रखा है ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं बारह अठारह
18 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाए। चतुर्थ अनुपात क्या होता है? BC अपॉन A। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? BC अपॉन A था 20 गुणे 18 बटे कितना 12, 6 × 6 × 2 दो से काटेंगे तो 10 कितना आ जाएगा 30। तो 30 में रखा है ऑप्शन ए, ठीक है। एक थैले में कुल 56 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो बहुत तसल्ली पूर्वक सवाल को करोगे तो कर पाओगे, वरना आप उलझन में फंस गए तो बहुत बड़ा सवाल करोगे। टोटल रुपए कितना है? 56। अब 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो 50 पैसे वाले सिक्के हैं ये 4 यूनिट हैं, अगर ये 1 यूनिट है 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, ठीक है। ये तो सिक्के हो गए, ये तो सिक्के हो गए ना कॉइन, ये क्या हो गए? कॉइन, ठीक है। अब हम क्या करना है, इनको अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, मैं पूरा बेसिक तरीके से समझा दे रहा हूँ फिर बताऊंगा बाद में करना कैसे। अगर हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना है, अगर हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो एक सिक्का एक ही रुपए का रहेगा, 4 सिक्के 2 रुपए बन जाएंगे और ये बन जाएगी 50 पैसे। तो क्यों ना इसको हम बड़ा ही, जैसे हम नंबर माने ही थे तो थोड़े बड़े नंबर मान लें, तो नंबर आपको सोचने पड़ेगी कौन से नंबर माने। आपने और छोटे मान लिए तो आपको और डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल नंबर आपने बड़ा मान लो थोड़ा सा। ऐसे मान लो कि 25 पैसे के सिक्कों की जब रुपए बनाओ तो कम से कम रुपए पूरा बन जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 25 पैसे 4 मानूंगा कम से कम, कि एक रुपए तो बन जाए, बन जाएगा ना। अगर देखा, अगर देखो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तो 8 गुनी, ठीक है। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी से 2। अब देखो आसानी हो जाएगी, ये 2 रुपए ये 4 रुपए ये 1 रुपए, वरना वहां पर डेसिमल आ जाता वहां पर कैलकुलेशन टफ हो जाती। 8 और 2 10 और 4 14 सिक्के की बात हो रही है, लेकिन हमें तो करना है रुपए में कन्वर्ट। तो ये 2 यूनिट ही रहेगी, ये 4 यूनिट हो जाएगा और ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये क्या होगा रुपए। 4 और 2 6 और 1 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 56। तो यूनिट का मान कितना आ गया 8, यूनिट का मान कितना आ गया 8। अब हमसे पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपने 8 यूनिट मानी थी ना, कितनी मानी थी 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना है 8, 8 और 2 64, तो ये 64 आ गए और ये कहां है 64 ऑप्शन डी। ये तो होगा बेसिक, तो हुआ इसका पूरा बेसिक, लेकिन ऐसे करना नहीं है। तो करना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर समझा देगा, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 2 गुने थे, तो 25 पैसे की संख्या ऐसी मानो कि इसको जो रुपए में कन्वर्ट करो तो कम से कम 1 रुपया पूरा बन जाए। यहाँ पर अगर मैंने पहले 2 माना था तो इसको ये 50 पैसे बनते थे, तो वहाँ डेसिमल बन जाता, तो डेसिमल से बचने के लिए मैंने इसको 4 मान लिया, क्योंकि 4 सिक्के 1 रुपए बना देंगे, 8 सिक्के 4 रुपए बना देंगे, 2 सिक्के 2 रुपए बना देंगे, इन सिक्कों कुछ बड़ा रुपए होगा ना, 2 रुपए 4 रुपए और 1 रुपए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 56, तो यूनिट की वैल्यू 8, यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, टोटल 64 ऐसे निकाल दिया। अब मैं करता हूं इसको ओरली कैसे करूंगा, ओरली करने के लिए सबको हटा दो, ये सब कुछ हटा दो। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 16, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, ये 50 पैसे वाले हैं, अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 16 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 8 होगी और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 2 होगी ना, सॉरी 4 होगी। पचास पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर 16 है तो 25 पैसे सिक्कों वाली संख्या 2 गुनी होगी और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी होगी। तो एक बात बता, इनको सबको जोड़ दिया, अगर ये सिक्के है ना, ये 8 रुपए, ये 4 रुपए और ये 4 के 2 रुपए, 8 सिक्के 2 रुपए बने, 8 और 2 10 4 14 रुपए बन रहे हैं। आपको बनाने कितना था 56 रुपए, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि हम ऑप्शन कौन सा उठाते हैं। हम जब भी ऑप्शन उठाते हैं तो हम ऑप्शन उठाने की टेक्निक नहीं है कि ऑप्शन कौन सा उठाना है। ऑप्शन आप कभी भी उठाओ तो सबसे पहले तो एक इजी ऑप्शन उठाओ, इजी ऑप्शन उठाओ और दूसरा मिडिल का ऑप्शन उठाओ। जैसे
इस सवाल का मिड ऑप्शन मान लो 32 या 48 है, इसको एक मान लो। अगर मैंने 32 माना और 32 ऑप्शन मानने पर मेरी वैल्यू 56 रुपए के करीब नहीं पहुंच पा रही है तो 32 से छोटा वाला भी गलत होगा, समझो। अगर मैंने ऑप्शन 32 मान लो, जैसे मैंने 32 माना, अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 32 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 16 रही होगी और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, 8 रही होगी। ये 8 रुपए ही देंगे, ये 32 सिक्के कितने रुपए देंगे, 16 रुपए देंगे और 16 सिक्के 25 पैसे के 4 रुपए देंगे, तो 16 और 4 20 16 28। जब मैंने 32 मान रहा हूँ, जब मैं 32 मान रहा हूँ तो रुपए मेरे कितने बन रहे हैं, 28। जब मैंने सिक्के 32 माने, जब मैंने सिक्के 32 माने तो रुपए मेरे बन रहे हैं 28, क्योंकि 16 8 24 4 28, लेकिन रुपए कितने बनाने थे, 56। तो मुझे यहीं पर समझ आ गया कि पहली बार तो मैं यहाँ ऑप्शन पहले वाला रिमूव कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि जब मेरे रुपए बन रहे थे वो बन रहे हैं रुपए 56 और मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो मेरे रुपए बन रहे हैं 28। तो जब भैया ये वाला ऑप्शन नहीं बना पा रहा है तो ये वाला कैसे बना देगा। और दूसरी एक चीज और हमको समझ में आ गई कि मेरे 32 सिक्के मान रहे हैं तो रुपए 28 बन रहे हैं, तो 64 सिक्के मानोगे रुपए 56 बन रहे, सिक्के डबल रुपए डबल, 32 मानोगे तो 28 रुपए बन रहे थे, 16 और 8 24 4 28। अब सिक्के आपने डबल कर दिए तो ये 16 रुपए हो जाएंगे, ये 32 रुपए हो जाएंगे, ये 8 रुपए हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ के 56 रुपए हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है सोचने के लिए, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाता है तो ये चीज़ बहुत ही आसान होती है, बिना पेन पेंसिल के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपए 5 रुपए के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में, उसके पास कुल रकम 116 है, तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। देखो 50 पैसे 1 रुपए और 5 रुपए ये सिक्के हैं, 2, 3 और 5 ये तो पॉइंट है ना। अगर मुझे रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपया बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा ना। 50 पैसे वाले सिक्के अगर 2 हैं तो 1 रुपया बन जाएगा, 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो 3 ही रुपए रहेंगे और 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए बन जाएंगे। इनको अगर जोड़ूं तो 25 और 3 28 और 29 यूनिट रुपए हो गए ना, ये हो गए रुपए, तो 29 यूनिट मैंने दे रखी है मेरे को 116, तो यूनिट का मान आ जाएगा मेरे पास 29 चौके 116। तो पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 2 यूनिट, कितने थे आपके पास, 2 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 8 जो दे रखा है ऑप्शन डी में। आप कहोगे इसको कैसे ऑलरेडी कर सकते थे भाई साहब, इसको ऑलरेडी कर सकते थे, वो कैसे, वो हम समझ आएंगे। अगर 12 है और 12 भी चेक करते हैं, हम जब भी कहा है कि ऑप्शन कौन से चेक करते हैं, मिडिल का ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि अगर मिडिल वाला ऑप्शन छोटा कम आपके ऑप्शन की नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके नीचे वाले ऑप्शन होंगे वो ऑलरेडी गलत, क्योंकि वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपका मिडिल वाला ऑप्शन आपने उठाया तो वैल्यू बहुत पहुँचा रहा है आपके ऑप्शन से, जो आपको चाहिए थी, जो आपको जरूरत थी, उससे ज़्यादा वैल्यू पहुँचा रहा है, तो उसके ऊपर के जितने ऑप्शन होंगे वो भी गलत होंगे, ठीक है। अब इनको मिडिल ऑप्शन देखो, या तो आप 6 देखो या ऑप्शन 8 देखो, ठीक है, क्योंकि अगर ये 8 ज्यादा वैल्यू पहुंचा रहा है तो 12 और पहुंचाएगा, अगर 8 वैल्यू कम पहुंचा रहा है तो नीचे की दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी। कुछ कुछ टेक्निक होती है मैं यूज करके, हम ऑप्शन का साथ जैसे बंदूक है तो बंदूक चलाने के तरीके भी होते हैं ना, ऐसे फटोरा पकड़ कहीं चलाने लो ऑप्शन उठाना पड़ता है। चलो मैं इसी से दिखा रहा हूँ आपको कि ये 12 लिए, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे वाले सिक्के 12 यूनिट है, तो इसको समझो 2×6 12 तो ये कितने होंगे 18 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 6×5 30। अब इन्हीं को जोड़ दो, मैंने 30 सिक्के हो गए ना, अब 30 सिक्के 5-5 रुपए के हैं तो कितने रुपए पहुंचा रहे हैं, 150 रुपए। अरे समझो ये है 1 रुपए वाली दुकान, ये हो रही है 50 पैसे वाली, यहाँ से ऐसे सोचना है आपको, जैसे चाहो वैसे कर लो, नहीं आ रहा है तो पूरा तरीका वो फॉलो कर लो, वरना मैं तो इसी को फॉलो करूंगा। इस तरीके से टेक्निक से आप सोचने लगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हो। 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए में फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, भले ही समझ ले रहा हूँ लेकिन इस चीज़ को समझ लो, समझ लो, समझ लो। 50 पैसे 1 रुपए 5 रुपए का अनुपात दे रखा है, अब पूछा कौन सा है 50 पैसे सिक्के, अगर 50 पैसे के सिक्के 12 है तो 2×6 12 है, तो 1 रुपए के 6×3 18 होंगे और 5 रुपए के 5×6 30 सिक्के होंगे, यही तो होंगे। ये कौन सा है 50 पैसे का और ये कौन सा है 1 रुपए का और ये कौन सा है 5 रुपए का, मन में करना है इन चीजों को, लिख के नहीं करना है। तो ये रुपए कितने बना रहे हैं 6, ये रुपए कितने बना रहे हैं 18, ये रुपए कितने बना रहा है 150, क्योंकि ये 5 रुपए का एक है, तो रुपए भाई साहब आपको 116 चाहिए थी तो रुपए बहुत पहुंचा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमने हमेशा कहा है कि अब जो भी ऑप्शन चेक करते हैं वो मिडिल का चेक करते हैं, और मिडिल का क्यों चेक करते हैं, मिडिल का उसका रीजन है कि अगर मान लो 8 वाला भी था वो 116 से नीचे पहुंचा रहा है,
आठ वाला अगर 116 से नीचे पहुंचा रहा है तो चार वाले दो ऑप्शन और नीचे पहुंचाएंगे। तो आपको पता है कि ये गलत, तो ये दोनों ऑलरेडी गलत, तो इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा पहुंचा रहा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा पहुंचा रहा है तो ये गलत, तो इनमें से एक चेक कर लो। तो एक कुछ टेक्निक होती है कि हमको ऑप्शन का कैसे सहारा लेना है, कैसे सहारा नहीं लेना है। मैंने कहा कि अगर 50 में से किसी की संख्या 8 है, 50 में से किसी को सुख की संख्या 8 है, 4 होनी है, तो ये कितनी होगी, 12 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये तो सिक्के हैं ना, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 4 रुपए हो जाएंगे, इधर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 24 रुपए हो जाएंगे, इधर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बन गए, सॉरी 1 रुपए का नहीं 12 ही रहेंगे, ये तो 1 रुपए का सिक्का है ना 12 रहेंगे, 20 बन गए 100 रहेंगे। क्या इन तीनों को जोड़ के 116 मिलता है? अब तीनों को जोड़ के 116 मिलता है, ऐसे सोचना है। ऐसे अगर सोचोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वरना सवाल को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 रुपए, 4 रुपए, 5 के अनुपात में पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? पर्स में पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? अगर या तो 4 का मल्टीपल होगा सबसे पहले, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल ये नहीं, 4 का मल्टीपल ये नहीं, और 4 का मल्टीपल ये नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर समझो, पर्स में पूछा है एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 अनुपात, 4 अनुपात, 5 के अनुपात में है, पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? भाई साहब, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 4 का मल्टीपल, तो मैंने देखा 26 4 से नहीं कटता है, 65 4 से नहीं कटता है, 13 4 से नहीं कटता है, तो इसका करेक्ट आंसर मजबूरी है, मजबूरी है, तो क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।